मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स पैसे की वैल्यू नहीं समझते क्योंकि ऑब्वियसली वो कमाते नहीं है, बट जब रियलिटी हिट होती है तब ऐसे लगता है कि यार व्हाट द फक, ये क्या-क्या चूतिया पे किया मैंने। एंड ट्रस्ट मी, मेमोरीज आर गुड बट इन फ्यूचर योर पास्ट मिस्टेक्स विल फक योर मूड। मनी इज नॉट एवरीथिंग राइट, बट एवरीथिंग नीड्स मनी। इससे आपके घर के हालात और आपकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी दोनों सुधर जाता है, बट उसके लिए पैसा चाहिए और शायद वही आपके पास नहीं है या फिर आपको खुद से कुछ करना है। पापा कितने टाइम तक खिलाते रहेंगे, उनके भी सपने हैं, जीने दो उनको भी, लेकिन तू तो जवान है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट मनी प्रॉब्लम्स एज अ स्टूडेंट इन इंडिया। अगर आप इनमें से कोई हो, क्या यार पैसा पैसा पैसा, फ्यूचर में कमा लेंगे पैसा, सभी कमाते हैं, माँ बाप किस काम के, तो मत देखो ये वीडियो, इट्स टोटली फाइन। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है एट वेरी अर्ली एज। मे बी आपको जो है फॉर्मल एजुकेशन, जॉब, यही सब चाहिए होगा। अरे नो प्रॉब्लम विद दैट यार, इट्स टोटली फाइन। बट इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो दिक्कतें फेस करते हैं ड्यू टू दिस शिटी नोट। कायरा एंड सिड, ये दोनों ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं और इन दोनों को ना अपने घर के हालात अच्छे से बताए। इसके पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कायरा के पापा को तो यार पैसों के प्रेशर से राहत नहीं है। वो अलग बात कि कायरा को भी जताती नहीं है, बट कायरा को तो सब दिखता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ना इनके ऊपर एक ऐसा कीड़ा आता है ना जो सारे स्टूडेंट को ना कभी खा ही लेता है। लाइफ को एंजॉय करने का, पैसे उड़ाने का, शो ऑफ करने का, नशे करने का, ये सब चीज़ें ना कभी ना स्टूडेंट के अंदर घुस जाती है। आई नो वो लैंग्वेज थोड़ी रूड है, लेकिन यही रियलिटी है। एवरीथिंग वॉज फाइन अंटिल कायरा को ना वो धीरे धीरे करके आदत लग गई। थोड़े थोड़े पैसे करके ना वो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने लग गई और उससे पता भी नहीं चला और उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं चला कि उनकी सेविंग्स कहाँ चली गई और वो क्या कर रहे हैं। कायरा के पापा को थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, लेकिन बाप तो बाप होता है, कायरा को कैसे मना करता। और सिड को ना पैसे उधार लेने की आदत पड़ गई। इससे पैसे लेके यहाँ पार्टी कर लूंगा, इससे पैसे करके गर्लफ्रेंड को खिला दूंगा, ये आदत ना दोनों की चलती भी चलती गई। अब इनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सर, अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप कोई भी रीजन के कारण आप जो है अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते हो, देन से नो, मैं इससे मांग लूंगा, मैं उससे मांग लूंगा, मैं इससे मैनेज कर लूंगा या फिर मैं उससे मैनेज कर लूंगा, ये सब चीजें क्या है। तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा भाई है, या फिर इसे मैं भाई मानता हूँ या फिर मानती हूँ, हाँ नोप, इट्स सैड, बट पैसों के मामले में ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। अगर उसे गलती से भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई कभी भी, तो यार वो एक बार भी नहीं सोचेगा आपसे पैसे मांगना है करके वो वाली डेट पे। वो भूल जाएगा कि यार इस डेट पे इसे मुझे जो है पैसे लौटाने थे। वो ऑन द स्पॉट आपको मैसेज कर लेगा कि भैया मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। वो क्यों सोचेगा भैया, उसकी भी गलती नहीं है आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन यार वो उसके पैसे है तो वो ऑब्वियसली क्यों सोचेगा, सीधा आपको मैसेज डाल लेगा और आप अपने ही गम में होंगे वो वाले टाइम पे और आपको नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली अब मैं करूँ क्या। और मे भी तब लगे कि भैया इससे पैसे नहीं मांग लिए होते ना तो ही सही होता। तो यार पैसे बोरो करने में, उधार देने में, उधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किससे ले रहे हो या फिर किसको दे रहे हो या फिर क्यों ले रहे हो और किसके लिए दे रहे हो, इन सारी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। तो पहले इन सारे चीज़ों को जानो, उसके बाद ही आपका जो है डिसीजन लो। सर, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है और उसे पता है कि आप उसे कभी रीपे नहीं कर पाओगे, देन समझ जाना यार कि यार वो बंदा ना सही में उसको हेल्प करना पसंद है या फिर वो बंदा पैसों के मामले में पहले इतना हर्ट हो चुका है ना कि वो आपको पैसों के मामले में हर्ट नहीं देखना चाहता। दैट्स वाई वो खुद की मेहनत की कमाई आपको दे रहा है और मे बी वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है या फिर वो आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल नहीं रहा है कि भैया मुझे इस डेट को पैसा चाहिए या फिर वो कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो यार हर्ट होने के बाद ऐसे ही होता है। फ्रीलांस, पार्ट टाइम जॉब और स्मॉल बिजनेस, अगर फिर भी अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं जो आपके पेरेंट्स आपके लिए नहीं कर सकते, देन वर्क फॉर इट। आर्ट, एडिटिंग, राइटिंग, डांसिंग, क्रिकेट, कुकिंग, मैनेजिंग, स्टडिंग, टीचिंग और न जाने क्या क्या, इन सब से ना पैसे कमा सकते हो एंड उसी के साथ दूसरों के नज़र से ज़्यादा अपनी नज़र में थोड़ी सी इज्जत पा सकते हो। और शायद माँ बाप भी बोल दे कि हाँ भैया हम गलत थे, शायद इज्जत कमाने की और पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती है जैसे आजकल के ज़माने में नशे करने की। यार अगर आर्ट पसंद है ना तो कमीशन वर्क कर लो, मैंने खुद कितने सारे किए हैं। और अगर आपको डांस पसंद है तो छोटे बच्चों को डांस सिखा लो, आपको भी मज़ा आएगा उनको भी मज़ा आएगा। और अगर सोशल मीडिया पसंद है तो रादर देन अपनी ज़िंदगी की कुछ गलतियों को बचाने के लिए कुछ मोटिवेशन और चूतिया रील्स देखने से अच्छा या फिर शेयर करने से अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ किसी के लिए। अगर आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि आई ट्रस्ट माई सन और डॉटर, देन यार बहुत बड़ी बात है। और अगर आपकी मेहनत की कमाई उनके लिए कभी काम में आ रही है ना, देन आपने ना अपने लाइफ की सबसे बड़ी एक खुशी ना पहले ही देख ली है। यार 23 की उम्र में ना सभी करते हैं,
तो आप अभी प्रिंस या प्रिंसेस हो तो वैसे ही मत रह जाना, किंग और क्वीन बनना है कि नहीं, अब बोलना मत टाइम नहीं है। मैंने कुछ लड़के लड़कियों को देखा है जो यार करियर के साथ साथ ना अपना पूरा का पूरा घर संभाल रहे हैं, तो यार अगर वो सब कर सकते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग आर्टिस्ट बन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग मिलीनियर्स बन रहे हैं, तो यार आप तो अपने मजे के लिए कर रहे हो ना, तो टाइम तो है मतलब। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद के पैसे से कुछ करोगे ना, तो यार उसकी खुशी ना कुछ अलग ही रहती है। यार बहुत सारे लोग ना पैसे को निगेटिवली ले लेते हैं, मतलब अगर उनके सामने ना कोई पैसे के बारे में बात कर रहा है या फिर पैसे के बारे में डिस्कस कर रहा है ना, तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं या फिर ऐसे कुछ आंसर्स देते हैं कि यार उनको किसी ने गाली दे दी हो। आप जितनी जल्दी ना पैसे को इन्वेस्ट करना सीखोगे, पैसे को यूज़ करना सीखोगे, अच्छे से पैसे को कमाना सीखोगे ना, उतना ही कम फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। डोंट स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव थिंग्स लाइक आईफोन्स हो गया, महंगे महंगे कपड़े हो गया। तो यार स्टार्टिंग में ना आप इतने नहीं कमा रहे हो कि आप ये सब चीज़ें जो ले पाओ, आपका काम तो 15,000 के मोबाइल से भी हो सकता है स्टार्टिंग में, सो क्यों इतना महंगा मोबाइल लेना है ना। और अगर आप बोल रहे हो कि भैया मैं मेरे लिए कपड़े पहनता हूँ, तो एट टीनेज ना हम सबको पता है कि यार एट द एंड हम सबको ना किसी से कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसलिए ना दूसरों के लिए कपड़े पहनते हैं, ये सबको पता है। सो या डोंट स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव थिंग्स अनलेस एंड अंटिल आप उतना कमा रहे हो। डोंट स्पेंड मनी ऑन पार्टीज लाइक आप जो है बहुत सारे पैसे पहले से कमा रहे हो और आपकी लाइफ एकदम सेट है, उस तरीके से पार्टी करने की ना भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेंड इन लिमिट्स, क्योंकि खुशी अगर पानी है ना, तो यार खुशी की कीमत नहीं होती है। तो अगर आप जो है रस्ते पर चाय भी पी लो अपने दोस्तों के साथ, तो उसी में भी खुशी मिल सकती है। तो यार क्लब में जाके अंडर एज दारू पी के कोई खुशी नहीं मिलती है, ओके। सो इससे अच्छा फ्यूचर में खुद की नज़र में गिर जाओ या फिर कोई और आके आपको गिरा दे फ्यूचर में, इससे अच्छा ना स्पेंड इन लिमिट्स। यार फन करना ना नेसेसरी है, लेकिन समटाइम्स पैसों का ख्याल करके इट इज़ बेटर टू स्टेप बैक। मे बी आपके जीवन में भी ऐसा कोई आ ही जाएगा जो इन सबसे पहले गुजर चुका होगा और आपको गुजरने नहीं देगा, और अगर नहीं आया तो फ्यूचर में आप बन जाना। कायरा के पापा की मेहनत की कमाई और सिड का मुंह दोनों टूट गया। सिड जो है कुछ बंदों के पैसे लौटा नहीं पाया और कायरा के पापा के तो पैसे गए, अब उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये सब हार्ड होगा, पीयर प्रेशर के नीचे नो बोलना ना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आपको आपके घर के हालात पता है, आपके पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस पता है, आपके फ्यूचर के गोल्स पता है ना, सो ये सब करना ना इतनी बड़ी बात नहीं है। सोशल नेटवर्क मूवी देख के दूसरा फेसबुक नहीं खड़ा हो जाता और हर दिल टूटने के बाद बंदा IAS नहीं बन जाता। सो मूवीज से ना इंस्पिरेशन लो, लेकिन इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि यार पार्टी करना, बिंदास लाइफ, ये सब मूवीज़ में अच्छा लगता है और रियलिटी में ना ये सारी चीज़ें अलग है। ये वाले टॉपिक के बारे में ना हम कभी और बात करेंगे। टिल देन Turn your dreams into reality. Goodbye. Social media detox. I quitted everything which connects me to the world for next 30 days. इसमें YouTube, Instagram, Facebook, Twitter और बाकी सारे social medias भी थे। But why? Dopamine plays an important role in how we feel pleasure. Internet एक बहुत ज़्यादा easiest तरीका है to gain pleasure. लेकिन उसी के साथ साथ insecurities आपके काम के ऊपर, insecurities आपको पैसे के ऊपर, insecurities आपके body के ऊपर, maybe आपके looks के ऊपर indirectly आ ही जाती है। कितना भी बोल लो आई लव माई सेल्फ, लेकिन इंस्टा पे जाके ना दूसरों के लव लाइफ से जलते तो जरूर हो गए। कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, लेकिन लास्ट में ना दूसरों की वीडियो देख के तो ऐसा लगता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, इसने तो ये पहले से करके रखा है, तो मैं फिर से ट्राई क्यों करूँ। यार ये बंदे ने इस एज में इतना सब कर लिया, लेकिन आज तक मैंने क्या किया है। यार ये लड़की कितनी हॉट है और ये लड़का कितना क्यूट है। बुलशिट। This was hard. अगर आपको लग रहा है इट्स gonna be easy, then you have to think again. कितना और कैसे काम करना चाहिए? क्या फ्री बैठे रहना भी सही है? Do money matters? क्या सब लोग पैसे कमा सकते हैं? What is passion? क्या मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ बना सकता हूँ? Do I really need a relationship? कि ये भी बस एक पीयर प्रेशर है। लाइफ को इंजॉय कैसे और क्यों करना चाहिए यार? So ये सारे questions मैंने खुद से पूछे आज से 20 दिन पहले, या टुडे इज डे 20 ऑफ सोशल मीडिया डिटॉक्स, एंड होपफुली मुझे मेरे सारे आंसर्स मिल रहे हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, व्हाटएवर इट टेक्स।